हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि आईपीओ में अलॉट हुए शेयर्स को आप किस तरह से प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस को एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको शो करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार ये समझ लेते हैं कि किन सिचुएशंस में हमें आईपीओ में अलॉट हुए शेयर्स को लिस्टिंग से पहले ही यानी कि प्री ओपन मार्केट में सेल कर देना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन है एसएमई आईपीओज, बिकॉज SME IPOs by its nature आर कंसिडर टू बी रिस्की। यहाँ पर हमारा मोटिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए, लिस्टिंग गेन लेकर जल्द से जल्द वहां से एग्जिट करना। सेकेंड सिचुएशन होती है मेन बोर्ड IPO, जहां पर हमने अप्लाई तो कर दिया एंड हमें अलॉटमेंट भी मिल गया, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड कुछ ऐसे इवेंट्स मार्केट में सामने आए जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि अब इन शेयर से जितना जल्दी एग्जिट हो सके निकलना ही बेटर होगा। आपके सामने में LIC एंड पेटीएम के एग्जाम्पल्स हैं, जहां पर लिस्टिंग के तुरंत बाद ही करेक्शंस होने स्टार्ट हो चुके थे। इन दो सिचुएशंस में आप आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ही यानी कि प्री ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। बात करेंगे के फिनटेक के आईपीओ की, जिसकी आज के दिन यानी कि 29 दिसंबर को लिस्टिंग होने वाली है। मैंने पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई किया था एंड इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इवन दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव लिस्टिंग, बट स्टिल आई टुक दिस रिस्क जस्ट टू शो यू दिस प्रोसेस। अब क्योंकि सिर्फ आपके लिए मैंने ये रिस्क लिया तो एक लाइक तो इस वीडियो में जरूर बनता है। अब जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि कोई भी आईपीओ सुबह 10 बजे लिस्ट होता है एंड उसके ठीक पहले 9 AM से लेकर 9:45 का जो विंडो होता है उसे बोलते हैं प्री ओपन मार्केट विंडो। इस पीरियड में आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ही शेयर्स को सेल या परचेज भी किया जा सकता है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। यह है ICICI डायरेक्ट का विंडो जिसके थ्रू मैंने आईपीओ में अप्लाई किया था। आप देख सकते हो के फिनटेक 40 क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट प्राइस इस आईपीओ का था 366, टाइम देख सकते हो अभी 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो प्री ओपन मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में जाकर NSE प्री ओपन मार्केट टाइप करना है। यहां पर जो ये वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट पे क्लिक करने से कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर जो सेकंड टैब है न्यू एंड रीलिस्टिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस विंडो में आपको All those IPOs which are getting listed today, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ SME IPOs भी हैं जो आज के दिन में लिस्ट हो रहे हैं, बट हमें मतलब है के फिनटेक के IPO से। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस, इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इस टाइम पर जब 9:03 हुए, इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है 201 रुपए, 366 वाज द इशू प्राइस एंड अभी चल रहा है 201 रुपए, यानी कि 45% के डिस्काउंट पे अभी के टाइम पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस शो कर रहा है। बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस प्राइस पर ये लिस्ट होने वाला है, बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो बहुत ही पुअर लिस्टिंग यहां पर दिखाई दे रही है। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है तो एक और विंडो ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस ऑलरेडी चेंज होकर 305 हो चुका है। ये प्री ओपन मार्केट 9 AM से लेकर 9:45 तक ओपन रहता है एंड इक्विलिब्रियम प्राइस दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अभी के प्राइस पे तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये आईपीओ मोस्ट लाइकली डिस्काउंट पे लिस्ट होने वाला है। एनीवेज, हमारे सेकंड स्टेप में हमें एक और विंडो को ओपन कर लेना है, साथ ही साथ में वहां पे गूगल में आपको टाइप करना है BSE इंडिया। इस फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर गेट कोड के अंदर में आपको अपने शेयर को सर्च करना है कि फिनटेक। इस वेबसाइट से हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर शेयर का आज के दिन में लोअर सर्किट कहां पर आ रहा है। तो के फिनटेक का लोअर सर्किट आप देख सकते हो 146.4 पर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने शेयर्स पे एक लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो अब हमें क्या करना है, इस विंडो में वापस से आ जाता हूं, के फिनटेक पे एक सेल ऑर्डर को प्लेस करना है। यहां पर मैंने BSE को सेलेक्ट कर लिया। तो टोटल क्वांटिटी जो मुझे आईपीओ में अलॉट हुई है वो है 40, बट फॉर नाउ आई विल बी सेलिंग अराउंड हाफ ऑफ माई क्वांटिटीज। यहां पर मैंने 20 टाइप कर दिया। अब प्राइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पर आपको लिमिट प्राइस को सेट करना है एंड ये प्राइस होना चाहिए उस स्टॉक का जो भी लोअर सर्किट है वो आप यहां पर टाइप कर दोगे। तो अभी जैसा कि हमने चेक किया के फिनटेक का लोअर सर्किट आ रहा है 146.4 पे, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 146.4 एंड आई विल प्लेस द सेल ऑर्डर। अब एक क्वेश्चन नेचुरली आपके माइंड में आ रहा होगा कि इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है 305 और लिमिट ऑर्डर हम लोग प्लेस कर रहे हैं लोअर सर्किट के प्राइस पे यानी कि 146.4 पे,
तो क्या इसका मतलब हमारे शेयर्स 146 पे सेल हो जाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। लिमिट ऑर्डर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जो प्राइस आप यहां पर एंटर कर रहे हो उसी प्राइस पर आपके शेयर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि आप एक्सचेंज को एक ऑर्डर दे रहे हो कि मेरे शेयर्स इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे सेल नहीं होने चाहिए। तो अगर ये आईपीओ 140 पे ओपन होता है तो आपके शेयर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन सिंस हमने ऑलरेडी लोअर सर्किट प्राइस को सेलेक्ट किया है तो इससे नीचे तो प्राइस नहीं जाने वाला। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता हूं, प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहां पर हमें एक मैसेज मिल गया, योर ऑर्डर हैज बीन सेंट टू द एक्सचेंज। एक बार चेक कर लेते हैं स्टॉक में आकर, ऑर्डर बुक समरी। हमारा जो ऑर्डर था 20 क्वांटिटी का के फिनटेक में सेल ऑर्डर, वो ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। आप चाहो तो 9:45 से पहले पहले इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, रीऑर्डर भी कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि पहले 305 पे था, वो अब कितना हो चुका है। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार एनएससी की वेबसाइट पे आ जाता हूं, एंड वंस अगेन वी क्लिक ऑन दिस के फिनटेक। इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस अब इंक्रीज होकर पहुंच चुका है 329 पे। सो एज आई सेड, 9 एएम से लेकर 9:45 एएम के बीच में इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज होते रहता है कंटिन्यूअसली, एंड दैट इज द पर्पस व्हाई वी आर पुटिंग आवर सेल ऑर्डर एट लोअर सर्किट प्राइस। 9:45 पे फाइनली ये प्राइस सेटल हो जाएगा। तो मार्केट में जितने भी लोग प्री ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं, उन सबके शेयर्स एक सेम प्राइस यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर ही सेल होने वाले हैं। अगर ये प्राइस 300 होता है तो सबके सब जिन्होंने भी प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर को सेट किया है उनके ऑर्डर 300 पे ही सेल होने वाले हैं। अगर ये प्राइस 350 पे सेटल होता है तो सबके ऑर्डर 350 पे ही एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के ऑर्डर 300 पे एग्जीक्यूट हो गए, किसी के 350 पे, किसी के 400 पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9:30 में एक बार फिर से इस प्राइस को चेक करेंगे, एंड फाइनली 9:45 पे देखेंगे कि किस फाइनल प्राइस पे इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस सेटल होता है। ओके, सो टाइम इज 9:30 एएम नाउ एंड वी आर बैक वंस अगेन। एक बार फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस को चेक करते हैं। वंस अगेन आई विल गो टू न्यू एंड रीलिस्टिंग, यहां पर है के फिनटेक। ओके, सो यू कैन सी दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज स्टिल 330, यानी कि अभी भी 10% के डिस्काउंट पे ये आईपीओ चल रहा है। अब 9:45 एएम पर फाइनली लास्ट बार हम लोग चेक करेंगे कि किस इक्विलिब्रियम प्राइस पर ये आईपीओ सेटल होता है, एंड क्या हमारे शेयर्स भी उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट होते हैं या फिर नहीं। सो फाइनली द टाइम इज 9:45 एएम। एक लास्ट बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या इस इक्विलिब्रियम प्राइस में कुछ चेंज हुआ या फिर नहीं। वंस अगेन आई क्लिक ऑन दिस न्यू एंड रियलिस्टिंग्स। ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव सरप्राइज, इक्विलिब्रियम प्राइस सेटल हुआ है 367 पे, इशू प्राइस था 366, यानी कि ब्रेक इवन पे, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। एक फाइनल टाइम इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। सो फाइनल इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस इज 367, तो हमारे ऑर्डर इस प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। चलिए डीमैट अकाउंट में चलकर एक बार फाइनली चेक करते हैं। सो वंस अगेन आई एम इन ICICI डायरेक्ट वेबसाइट, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस प्राइस पर हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि 20 क्वांटिटीज के फिनटेक के एग्जीक्यूट हो चुके हैं 369 के प्राइस पे। यहां पर एक स्मॉल सा डिफरेंस है, 369 पे हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, जबकि एनएससी की वेबसाइट पे हमने देखा था 367 वाज द लास्ट इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज बिकॉज जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मैंने बीएससी को सेलेक्ट किया था, तो वो छोटा मोटा गैप यहां पर हो सकता है, दैट्स नॉट अ मेजर कंसर्न। So friends, this is the simple process that you need to follow to sell your IPO allotted shares in pre-open market. I hope ki is topic se related ab aapko koi bhi confusion nahi hogi. Agar video pasand aaya ho to zarur se like kar dena, isme kanjusi mat karna, kyunki sirf aur sirf aapko is pure process ko dikhane ke liye maine is particular IPO mein apply kiya, even though I knew ki is IPO mein negative listing ke chances bhi hain. आई एम लकी कि ये आईपीओ मेरे कॉस्ट प्राइस पे ही लिस्ट हुआ है। अगर अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पिंग करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।